चाकू के नोक पर जान से मारने की धमकी देकर वाठोड़ा में रहने वाले मामा भांजे ने नाबालिग मौसी और भतीजे पर अत्याचार करने का मामला सामने आया है। जानकारी है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार वाठोड़ा परिसर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग और उसकी 14 वर्षीय भतीजी पर 27 वर्षीय रामदयाल पंचम दांडीकर और उसके भांजे रोहन बेंजरे ने अत्याचार किया है। दरअसल 2 साल पहले 17 वर्षीय पीड़िता और रामदयाल की इंस्टा पर पहचान हुई थी। तब से इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थी, जिसकी वजह से बीच बीच में ये दोनों मिलते भी थे। 17 वर्षीय पीड़िता को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, इसलिए वह अपने 14 वर्षीय भतीजी को लेकर बाहर निकलती थी। घटना के दिन पीड़ित मौसी अपने भतीजी को लेकर गई, जहां आरोपी ने उन्हें रास्ते से उठाया। उसके बाद घूमने के बहाने हुड़केश्वर रोड पर एक खाली घर में ले जाकर वहां पर चाकू का ध्वज दिखाकर दोनों आरोपी रामदयाल दांडीकर ने मौसी पर और 19 वर्षीय रोहन अशोक पिंजरे ने 14 वर्षीय बच्ची पर अत्याचार किया, जिसके बाद 14 वर्षीय बच्ची को नीचे अंग से ज्यादा खून बहना शुरू हुआ, जिसके बाद युवती उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गई। इलाज के बाद घर जाने पर बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ज्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर की तरफ ले जाने के बाद डॉक्टर ने अत्याचार होने का बताया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। 17 वर्षाची एक नाबालिग मुलगी आहे, तिची ओळख सोशल मीडिया मधून जो आरोपी आहे, मेन आरोपी याच्यामध्ये राम तांडेकर याच्याबरोबर 4 वर्षापूर्वी झाली होती। त्याच्यावर त्यांचं ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि ते 4 वर्षापासून एकमेकांसोबत होते। जी मोठी मुलगी आहे 17 वर्षाची, तिचीच भाचीजी आहे, ही मावशी लागते तिची, ती भाची हे एकमेकांबरोबर राहत असल्यामुळे रामबरोबर ओळख झाली आणि रामचा जो भाचा जो आहे दुसरा आरोपी यामधील त्याच्याबरोबर ओळख झाली। त्याचं नाव आहे रोहन बिजरे आणि ह्या दोघी मिळून ह्या दोघांनी त्यांना फूस लावून एका ठिकाणी नेलं हुळकेश्वर हद्दीमधील आणि तिथे त्यांच्यावर सामूहिक अत्याचार वगैरे केलेले आहेत। त्या प्रकारे आपल्याला त्यांच्या घरच्यांनी येऊन पोलिसांना माहिती दिली आणि आपण त्याप्रमाणे फिर्याद दाखल केलेली आहे। ते आरोपी जे आहेत हे देखील एकमेकाचे रिलेटिव आहेत, लांबून त्यांचे नाते मामा भाचे असे लागत आहे आणि पीडित त्या मुली शिक्षण सोडलेलं आहे, सध्या त्यांचं शिक्षण घेत नाही, ते घरीच असतात, कामधंदा वगैरे काय करत नाहीत। त्या मुलांनी मुलींच्या घरी येऊन धमकी दिली, ही गोष्ट कोणाला सांगितली किंवा काय तर आम्ही तुम्हाला मारहाण करू, याप्रमाणे अशी घटना घडल्यानंतर मुलीच्या घरच्यांनी 112 वर फोन केला आणि त्यानंतर आपल्याला ही माहिती मिळालेली आहे। इन मामले में सोशल मीडिया पर अक्सर युवक और युवती की पहचान होती है। सोशल मीडिया से शुरू होने वाले प्यार वाले मामले में इस तरह के अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। जरूरत है कि युवा वर्ग ने सोशल मीडिया का संभल कर उपयोग करना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।